हेलो गाइस, अगर आप इंटरनेट चलाते हैं और आपको पता नहीं है बहुत सारा वेबसाइट के बारे में, तो आज हम बताने वाले हैं कुछ ऐसा ट्रिक्स एंड टाइप्स जो आपको बहुत काम आएगा। यानी आप इंटरनेट चलाते हैं और आपको बहुत सारा वेबसाइट के बारे में पता नहीं है, ऐसे यूज़फुल वेबसाइट। यानी आप अगर वेबसाइट ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारा वेबसाइट है, मगर आपको पता नहीं है कि आपका यूज़फुल वेबसाइट कौन सा है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको हम दिखाने वाले हैं कि आपका इसी तरह से एक 5 यूज़फुल वेबसाइट के बारे में जो आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल। और अगर आप मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर अलाउ कर दें, क्योंकि रोज़ाना इस तरह का वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले नंबर 1 वेबसाइट जो आपका है कि अगर आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप्स का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, तो उसके वेबसाइट के बारे में। यानी आप बहुत सारा वेबसाइट है जिसमें आप किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए आप गूगल में सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारा लिंक्स खुल के आ जाता है और आपको डाउनलोड नहीं यानी आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जिस वेबसाइट का हम आपको बताने वाले हैं, वो इजीली आप किसी भी सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट फ्री। यानी सिर्फ डाउनलोड करने से आपका हो जाएगा, किसी भी इसके लिए कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जाना है सबसे पहले जो क्रोम ब्राउज़र ओपन है, आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। इसमें आपको टाइप कर लेना है गूगल में, देखिए मैं कर रहा हूँ, आपको इसलिए टाइप करना है इसमें filehippo.com, FileHippo hippo.com को filehippo.com, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्लिक करना है, करने के बाद आपको पेस्ट करना है। करने के बाद देखिए आपको सीधा एक वेबसाइट खुल के आ गया, देखिए filehippo.com। इसी वेबसाइट से आपको करना क्या है, आपको अगर पॉपुलर किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो आपको देखिए इसमें पॉपुलर सॉफ्टवेयर, इसमें आपको क्लिक करना है। देखिए इस पॉपुलर सॉफ्टवेयर बहुत सारा आ चुका है, जिस भी सॉफ्टवेयर को आप ज़रूरत है आप कर सकते हैं, देखिए बहुत ही सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हम जैसे कि मुझे गूगल क्रोमा ज़रूरत है, तो मुझे कोई फोटोशॉप की ज़रूरत है, तो मैं इसमें एडियो वी एडोब फोटोशॉप, जैसे मुझे फोटोशॉप की ज़रूरत है तो मैं इसमें एडोब फोटोशॉप करके क्लिक किया, अगर हो अगर इसमें मिल जाए तो आ जाएगा इसमें। देखिए इसमें देखिए एडोब फोटोशॉप सीसी, एडोब राइडर, बहुत सा जो है वो खुल के आ चुका है मेरा, आप देख पा रहे हैं इसमें एडोब फोटोशॉप, एडोब फ्लैश प्लेयर, एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल सीसी, बहुत सारा आ गया, ठीक है। एडोब आफ्टर डीसी, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, बहुत सारा इसमें सॉफ्टवेयर आ गया, एडोब प्रीमियर प्रो, बहुत सारा सॉफ्टवेयर आ चुका है। ये पावरफुल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी है ये एडोब प्रीमियर प्रो, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का बहुत सारा है। तो ये तो हुआ आपका, यानी आपका 32 बिट्स एंड 64 बिट्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका मज़ा उठा यानी लाभ उठा सकते हैं। तो सेकंड टिप्स है मेरा, यानी अगर सोचिए अगर इसमें जो आपके सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं, अगर इस सॉफ्टवेयर में कोई वायरस तो नहीं है, आपको डाउट हो सकता है, यानी आप जो वेबसाइट चला रहे हैं वो उस वेबसाइट के थ्रू कोई वायरस तो नहीं है, तो इसलिए ट्रिक्स नंबर 2 यानी वेबसाइट नंबर 2 जो है वो है, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, वायरस यानी जो वेबसाइट नंबर 2। इस वेबसाइट नंबर 2 में क्या क्या कर सकते हैं आप, यानी आप अगर किसी भी वेबसाइट से सॉफ्टवेयर्स हो गया,
फोटो हो गया, किसी भी साइट को आप साइट से आप डाउनलोड करते हैं, तो आपको पता नहीं है कि वो जो आपका साइट यानी आपका जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर चुके हैं वो एक्चुअल में आपका अच्छा है या बुरा है, आपको पता नहीं। तो इसके लिए ही आज बात करने वाला हूँ, और इस वेबसाइट को मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। यानी आपका वेबसाइट का जो नाम है वो है virustotal.com। देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ, देखिए virustotal.com। आपको पता, देखिए virustotal.com। देखिए खुलने के बाद इस तरह से जो देखिए वायरस टोटल्स जो आपका .com है, इस तरह से कोई खुल के आ जाएगा। ठीक है, खुल के आने के बाद अभी आपको करना क्या है, यानी देखिए इसमें आपको फाइल्स हो गया, इसमें आपका URL हो गया और सर्च हो गया। यानी आपका अगर किसी फाइल्स को करना चाहते हैं यानी देखना चाहते हैं कि इसमें वायरस है या नहीं है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको इसके लिए आपको एक फाइल चूज़ करना होगा। यानी आपको जो फाइल्स है डाउनलोड किया हुआ, सॉफ्टवेयर्स हो गया, कुछ भी हो गया, इसमें आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं देखिए मैं चलता हूँ इसमें, इसमें चलने के बाद इसमें मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, और आपको बताना चाहूँगी कि इसमें आपको जो है वो आपका जीप फाइल में बना हुआ चाहिए। यानी आपको जो भी फाइल स्कैनिंग करना चाहते हैं वो आपका जीप फाइल में बना हुआ चाहिए। जैसे कि मैं देखिए मैं इसमें जीप फाइल बना हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ प्रिंट बोल के, और इसको ओपन कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें देखिए कंपेयरिंग है कर रहा है, वो चेकिंग कर रहा है, अपलोडिंग कंफर्म अपलोडेड, अभी वो अपलोडेड हो रहा है। इसमें यानी आप चेकिंग करेंगे कि इसमें टोटल एक्चुअल में है या नहीं है, क्या है इसका हमें। तो चलिए इसको हम अपलोडिंग होने देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा अपलोडिंग होने के लिए, प्रोफाइल बड़ा है और आपको दिखाने के लिए। तो देखिए अपलोडिंग हो चुका है, और अभी देखिए इसमें स्कैनिंग हो रहा है कि एक्चुअल में मेरा फाइल जो है ये सिक्योर है या नहीं। देखिए इसमें अभी जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो इसमें देखिए अनडेडिकेटेड, यानी कोई भी आपका एंटीवायरस या आपका कोई भी वायरस इसमें नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड कर दिया। ठीक है, इसमें देखिए अभी भी स्कैनिंग हो रहा है, तो इस तरह से आप जान पाएंगे। अगर आप जैसे कि ये तो हो गया सेटिस्फाइड के लिए, और अगर आपको जानना चाहे कि इसमें कोई आपका वेबसाइट है इस वेब, तो चलिए इसका हम URL में जाते हैं। URL पर जाने के बाद इसमें हम टाइप करते हैं facebook.com, facebook.com। ठीक है, उसके बाद हम सर्च करते हैं तो एक्चुअल में इस वेबसाइट सिक्योर है या नहीं। देखिए इसमें दिखा है ये सिक्योर है, ठीक है, ये भी सिक्योर है, तो चलिए ये भी सिक्योर है। तो इस तरह से आप अपना वेबसाइट जो है उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो किसी भी फाइल को भी आप UIP एड्रेस जो है और फ्लैश फाइल है, यानी आपका जो फ्लैश फाइल होता है उसका आपका लिंक डालने से आपको वो भी मिल जाएगा, ये सिक्योर है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा पूरा वायरस को पकड़ने का एक वेबसाइट, जो मुझे पता है कि आप सभी को इसके बारे में पता नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको शेयर किया। तो अभी हम ट्रिक्स नंबर थर्ड में बात करने वाले हैं कि एक बहुत ही अच्छा एक ट्रिक्स, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आपको पता नहीं है कि आप कैसे इसका, यानी आप ऑफिस में काम करते हैं और आपका जो स्टाफ है उसको आप कुछ आपका न्यूज़ देना चाहते हैं या कुछ आपको बताना चाहते हैं हर वो स्टाफ को, मगर आपको क्या करना पड़ता है, हर किसी से आपको जाके जाके बोलना पड़ रहा है। ठीक है, यानी आपको नोट, यानी नहीं तो आपको नोटिस अलाट करना होता है, इसके लिए आपको नोटिस टाइप करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ठीक है, इसे आप एक बार नोटिस टाइप किया उसके बाद आपको प्रिंट किया उसके बाद दिखाई, यानी मेल भेजना पड़ता है। तो आपको ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास वाईफाई कनेक्शन है और अगर आपका स्टाफ यानी जितना भी कंप्यूटर आपका ऑफिस में लगा हुआ है और सारे का सारे कंप्यूटर आपका एक ही वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड है, तो आप ये इजीली चुटकियों में आप किसी भी को भी जो भी आप टाइप, यानी आप किसी भी आपका अपना कंप्यूटर में इस वेबसाइट में जो भी आप टाइप करेंगे वो आपका जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं जितने भी आपका ऑफिस में, वो आपको इजीली शो हो जाएगा और उनको पता चल जाएगा। तो उस वेबसाइट का नाम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ यार वीडियो को जरूर
पूरा देखिए, स्किप मत करो क्योंकि बहुत ही अच्छा ट्रिक आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही यूज़फुल साइट्स। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जाना है गूगल पे और आपको इसमें टाइप करना है देखिए SSAVR.com, SSAVR.com, इसमें आपको डालने का, आपको ओके करना है। ठीक है, इस तरह से करने से आपको एक अच्छा सा वेबसाइट खोल के आएगा। देखिए आपका डायरेक्टली वो जो वेबसाइट है, देखिए सिंपली सेवर यानी इजीली आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर जैसे कि मेरा, क्योंकि मेरा भी अभी दो कंप्यूटर कनेक्टेड नहीं है, एक ही कंप्यूटर है, इसलिए मैं इसमें क्या करूँ, जैसे मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ हाय, जो भी हम टाइप लिखेंगे वो दूसरे जो कंप्यूटर है उसमें, उसी भी उसी कंप्यूटर में भी वो दिखाई देगा हाय। ठीक है, जैसे मैं इसमें लिखूँगा हेलो, हेलो लिखूँगा, उसी कंप्यूटर में वो भी दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो कि आपको इस किसी भी को, किसी को भी आपको लिंक शेयर करना है, किसी को फोटो फोटो शेयर करना है, देखिए अगर आप चाहे उस आप अगर आप किसी को नोटिफिकेशन यानी आपको किसी फोटो को आपको दिखाना है उसी वेबसाइट से, जैसे कि मैं इस फोटो को मैं दिखाना चाहता हूँ, चलिए मैं इस फोटो को एक स्कैन कर लिया, फाइल इज ऑटोमेटिकली डेडिकेटेड एवरी 7 डेज। ओके, ऑटोमेटिकली देखिए उसमें अपलोडिंग हो चुका है। ठीक है, इसमें बोल रहा है यू कैन अपलोड 50 फाइल्स इन टोटल साइज 30 MB पर फाइल्स। तो देखिए अगर इस तरह से आप डाउनलोड हो चुका है अपलोडिंग, आप किसी को भी अपना फाइल जो है तो वो दिखा सकते हैं, यानी मगर आपको पता होना चाहिए कि हर एक कंप्यूटर एक ही इंटरनेट कनेक्शन यानी एक ही वाईफाई कनेक्शन से आपको कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ उठा सकेंगे और इसी तरह से आप काम कर सकेंगे। ठीक है, इसमें आपकी किसी भी डाउनलोड अगर करना चाहते हैं, अपलोडिंग लिंक कुछ भी करना चाहते हैं यानी किसी को कुछ भी दिखाना चाहते हैं, आप इजीली एक ही क्लिक से, एक ही सिस्टम से आप कर पाएंगे, किसी को ही बता पाएंगे। तो ये तो हो गया मेरा ट्रिक्स नंबर 3 थर्ड। अभी हम बात करने वाले ट्रिक्स नंबर 4 के बारे में, यानी एक ट्रिक्स नंबर 4 एक ऐसा वेबसाइट जो आपको हर किसी को आपको पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर यूजर्स हैं। तो देखिए हर कंप्यूटर यूजर्स को पता नहीं है इसके बारे में, तो इसीलिए मैं आज इस वेबसाइट को जरूर शेयर करूंगी और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। देखिए इस वेबसाइट में एक ऐसा सिस्टम है जो आपको पता होना चाहिए और आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में इस वेबसाइट में आप क्या करते हैं, अगर आप सोचे किसी भी दुकान, आप ऐसे आपके पास कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है अभी और आप ऐसे कुछ दूसरे जगह में चले जाएंगे, मगर आपको अभी उसमें उसी आपको वर्ड एक्सेल में काम करना है, तो आप जिसके घर पे गए हो यानी जिस ऑफिस में है आपका कंप्यूटर में अभी क्या है, कोई एक्सेस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रो पावर पॉइंट, एक्सेल, कुछ भी आपको उस कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन नहीं है, तो आप अगर आप मगर आपको उसी सॉफ्टवेयर में काम करना है तो आप कैसे करें और किस तरह से करें, तो चलिए उसको भी हम आपको बताते हैं। तो इसलिए इसके लिए एक ऐसा वेबसाइट्स है, एक ऐसा फीचर्स है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है गूगल बार में और आपको टाइप करना है, आपको इसमें टाइप करना है office.com। आप सिर्फ इसमें इजीली लिखेंगे ऑफिस office.com, करने के बाद आप एंटर करेंगे। office.com खोलने के बाद एक 30 इसमें Office 365 का लॉगिन हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली मेरा वेबसाइट आ गया है इसमें, तो देखिए इसमें आने के बाद ऑटोमेटिकली ओके, देखिए इसमें बता रहा आप क्या क्या अब यूज़ कर सकते हैं, व्हाट इज़ Office 365 यानी इसमें आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, आप जितना भी आप चाहिए आप वो भी टूल्स इजीली यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको गेट ऑफिस में जाना है। ठीक है, गेट ऑफिस में जाने के बाद ऑटोमेटिकली आपका जितना भी वेबसाइट है आप वो इजीली काम कर सकते हैं। देखिए गेट ऑफिस में जाने के बाद इसमें आई होप देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या है इसमें आपका, इसमें आपको बोल रहा है बाइंग के लिए, मगर मुझे तो बाइंग करना नहीं है, मुझे सिर्फ इजीली काम करना है। ठीक है, फिर काम करने के लिए मुझे करना क्या, मैं इसमें ले आ जाऊंगी बैक, और बैक में जाने के बाद देखिए इसमें आ गया है साइन इन का ऑप्शन।
यानी अगर आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसमें जो कैन एक्सेस योर अकाउंट, तो आप इस साइट से आप लॉगिन करके अपना जो जो भी काम है यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड किसी भी वेबसाइट का यानी वो सॉफ्टवेयर में हम कम काम कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एक बहुत ही अच्छा बढ़िया साइट्स। और लास्ट में मैं आपको जिस वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ वो आपको बहुत ही काम और बहुत ही आने वाला है, यानी हम सभी इंटरनेट में चैटिंग करते हैं और किसी भी फोटो वगैरह को हम शेयर करते हैं, यानी आप चाहे किसी भी कंपनी के साथ यानी किसी भी इंसान के साथ जब भी आप चैटिंग करते हैं यानी बात करते हैं, और आपके कंप्यूटर्स में आपका मोबाइल्स में किसी भी तरह का आपका अगर आपका वेबसाइट में किसी भी काम करने के टाइम पे प्रॉब्लम होता है तो आप यानी आपको उसको बताने के लिए जो हम स्क्रीन शॉट भेजते हैं और क्या क्या करते हैं, तो इसके लिए आपको यानी आपके पास सोचिए उसके पास व्हाट्सएप सिस्टम नहीं है, आपके पास व्हाट्सएप सिस्टम नहीं है यानी आप सेंड कर नहीं पाते हैं, तो आप किस तरह से आप उनको किसी भी फोटो हो गया किसी भी आपका स्क्रीनशॉट का सिस्टम हो गया आप शेयर कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। और आप जो इस वीडियो है इसको प्लीज़ 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 अगर अच्छा लगे तो लाइक करो। तो लास्ट ट्रिक्स और लास्ट वेबसाइट, तो इसके लिए आपको जाना है गूगल बार में और उसमें आपको लिखना है PRNT.SC, लिख के आपको इंटर करना है। तो ये वाला जो वेबसाइट है बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। तो प्लीज़ तो देखिए इस तरह की वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद इसमें देखिए ब्राउजर्स इमेज यानी आपको उस जो भी जो जितने जो भी फोटो जो भी स्क्रीन से स्क्रीनशॉट है आप उसको देना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको ब्राउज़र ऑप्शन इमेज में जाएंगे। जाने के बाद आप जिस जो भी फ़ोटो यानी जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कोरोना वायरस का जिस फोटो से मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना है, इसको सॉरी इसको मुझे ओपन इसमें ओपन कर लेना है। ठीक है, देखिए अभी फ़ोटो अपलोडिंग हो रहा है। अपलोडिंग होने के बाद इसमें एक लिंक जनरेट होगा, देखिए लिंक जनरेट हो चुका है। तो इसको क्या करना है, हमें इसको इजीली इसको कॉपी कर लेना है, मुझे इसमें कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद देखिए जो मेरा जो साइट से वो देखिए एक लिंक के थ्रू सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, यानी आप इस साइट को इस लिंक को कॉपी करेंगे और किसी को भी आप चाहे तो शेयर कर देंगे। यानी देखिए मैं इसको एक लिंक को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं नया टैब ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद इसको पेस्ट करता हूँ। जो भी अगर जिसको आप भेज रहे हैं वो इस लिंक पे क्लिक करने के साथ साथ उस जो फोटो भेज रहे वो ऑटोमेटिकली उनको उसका डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, और किसी भी कोई गलती होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला है कमेंट कर लो। और आपको किसी भी तरह से आपको अगर अगर मेरे वीडियो में कोई गलती होता है आपको सुधार के लिए आप बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ करो, क्योंकि मैं नया यूट्यूब बिगिनर यूट्यूबर हूँ तो आप लोगों का साथ मुझे बहुत चाहिए, और इसलिए मैं आप सभी के लिए रोज़ाना इस तरह का वीडियो डालते रहता हूँ। अगर गलती होता है तो प्लीज़ प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में लिखो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना यार, क्योंकि नया यूट्यूबर हूँ तो आपको आप लोगों का सब्सक्राइब मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन को अलाउ कर दो क्योंकि रोज़ाना मैं इस तरह का वीडियो डालते रहूँगा आप सभी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।